किसान भरावो वीडियो शूट कर रहे हैं पेस्टिसाइड फ्री नरमाए की। तुहानू पहले मैं 10 सैकंडां दे विच ही दस देवां कि तुहानू जे वीडियो सारी देखोगे तो कुछ पल्ले पै सकदा, अदरवाइज़ रीलां वाला काम तो इस वीडियो विच है नहीं। तो पूरी वीडियो शुरू कर लगे हैं, मैनू लगता भी यह 15-20 मिंटां 'च निबड़नी है। समा कढ के देखियो आपदा, जदों भी वेले हो इहनू सेव कर लियो, चैनल नू सबसक्राइब ते सारा नाल सांझी कर लियो, क्योंकि आने वाला टाइम इन्हां चीज़ां दा ही हैगा। पेस्टिसाइड पा पा के थंब जाओगे, खुराकी तत तुसीं पूरे नहीं करदे है। ਹੋਰ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? अब 2022 आ गया है। हाँ, 2022 आ गया, तो संतुष्ट है इससे? बिल्कुल संतुष्ट है जी। मैक्सिमम यील्ड आपने क्या लिया? मैक्सिमम यील्ड हमारे किसान ने 17 क्विंटल पर एकड़ का झाड़ू से डॉक्टर दलाल पत्ती से लिया हुआ है। कब की बात है जी? ये 2018 की बात है। वैरायटी कोई पता हो दे, केड़ी वैरायटी सीगी? 773 वैरायटी। 773 लाल गोल है, 13045 अन्य कोई और नए नए आ रहे हैं जी। उसको भी पेस्टिसाइड मानते हैं? नहीं, उसको ताकत वाली स्प्रे मानते हैं, उसको पेस्टिसाइड नहीं मानते जी। उसका बेनिफिट है? हाँ, उसका बिल्कुल बेनिफिट है, वो ताकत देता है प्लांट को। हाँ, पौधे को जहर नहीं चाहिए, पौधे को ताकत ही चाहिए। जहर में ऐसा कुछ है जहर के अलावा जो मतलब एक बार मतलब पौधे की डेकोरेशन वो कर देता है, वो उसकी कलर ले आता है, वो कलर ले आता है। अच्छा, ओके। तो जिहड़ियां इदां दियां तकनीक जिन्हां तुहाडा खर्चा ही घट रहेगा, तुहानूं बरतन दे विच कोई भी मैनूं लगदा भी दो बार सोचण दी लोड़ नहीं हैगी। हरा मच्छर आता है, चिट्टा मच्छर आता है, कैसे कंट्रोल करते हो, क्या देखते रहते हो फसल में? दिन बाय दिन, 2 दिन में, 3 दिन में क्या फसल को जज करते हो? बरसात होने रही जी, तो उस टाइम पौधे पे कोई इसका रस चूसने के लिए वाइट फ्लाई आएगी। ओके, ये निशानी है? ये निशानी है। और जो जिसमें ज्यादा तेला था उसको भी हमने मतलब वो जो रुई है जी, उसको तोल के देखा जी, तो उसमें एक टिंडे के पीछे जो खिला हुआ था उसका 1 ग्राम का हमने उसमें बेनिफिट पाया। हाँ, कब कोई क्या खर्चा रहता है फार्मर सीखने वाला आता? नहीं, कोई खर्चा नहीं रहता जी उसके आने जाने। अच्छा, का बिल्कुल फ्री में, तो कॉस्ट है फ्री में। तो फार्मर को अगर आप ट्रैक्टर भी दे दो ना, वो भी बोलेगा इसमें कोई गड़बड़ है। तुसी भी बड़ी प्लानिंग करते रहने हो, पहली स्प्रे करनी है, दूजी ये करनी है, तीजी ये करनी है, पिछली बार 2 ना सर गया, इस बार 5-6 हो गई। एमरजेंसी टाइम दे विच तां मरदे नूं तां बहुत कुछ करना पैंदा है। किसान भरावो सत श्री अकाल, मैं प्रगट सिंह, फसलों की जानकारी तो सीखण की कोई उम्र भी नहीं हुंदी ते सिखाउण की भी कोई उम्र नहीं हुंदी। सीखण की चाहत होनी चाहीदी है ते मटीरियल तुहानूं मिलना चाहीदा। नरमे की फसल ना यह वीडियो आ, लंबी देख होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि जिन्हां नूं मैं फॉलो करदा जिहड़ियां क्रॉप प्रैक्टिसां ते आने वाला भविख देख रहा हैगा कि पेस्टिसाइड की लिमिटेशन हुंदी आ, वो 2-3 सालां बाद काम करन हट जाती है। कोई इस तरह दियां खास क्रॉप प्रैक्टिसां जिहड़ियां अपने पुरखियां ने वरतियां जां जिहड़े किसान हुण वरत रहे आ, चंगे झाड़ भी लै रहे आ, काफ़ी लोग उन्होंने टीचरां भी करते होंगे, वो सह जाते हैं क्योंकि वह मैंटली बहुत स्ट्रोंग होंगे है। तो मैं लगता हैगा भी हर एक किसान स्टूडेंट बनना चाहिए, जितों भी उन्होंने कुछ सीखने को मिलता सीख लेना चाहिए है। भावें ऊड़ा ऊड़ा तुम सीख रहे हो, कैक हैगा सीख रहे हो, भावें तुम PhD कर रहे हो, है तुम विद्यार्थी हो, तुहाडा खेत तुहाडा स्कूल आ, उस स्कूल दे विच तुसीं पढ़न नहीं जाते, बहुते शराब पीन जाते, बहुते कुछ होर करन जाते, चंगे तरीके नाल इमानदारी नाल काम नहीं करते हैगे। नरमे की फसल ते बहुत आफत आईयां, बीजां दे विच घपले होए आ, पेस्टिसाइड काम नहीं करदी, 10-10 लोगों ने स्प्रेयां करतियां, कंघां दा तेला ही नहीं मरिया, नरमा जरूर मर गया। असीं बाई दे घर तों चल के खेत दे विच आए हां, ते मैं हरियाणा दे विच बैठा हैगा, ते एलनाबाद दे नेड़े पिंड पैंदा हैगा काशी का बास, तो उस पिंड के एक मेहनती किसान आ, इनोवेटिव फार्मर आ, जिहड़े दूसरों भी गाइड करते, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रहिंदे ने, ते पेस्टिसाइड फ्री नरमा करन दे विच इह सफल रह रहे आ। इन्हां दे घर तों 2.5 किलोमीटर असीं खेत दे विच आए हां, काफ़ी फार्मर होर भी बैठे हुए आ, सुलझे हुए आ, कि तुहाडे घर तों चल के मैनूं लगदा जे तुहाडा खेत 3 किलोमीटर दूर आ तां कोई खेत ही ऐसा होगा जिस स्प्रे ना होई होवे। इन्हां दे घर तों चल के असीं 2.5 किलोमीटर आए हां, राह 'च नरमे देखदे आए हां, होर फसलां भी लगियां, तो एक ही खेत मिलिया जी, तो पेस्टिसाइड होई आ, वह भी एक ही होई आ, वह फार्मर सारे एक मोरी लंघते नहीं है, तुहानूं भी पता। इन्हां दे पिंड दे विच काफ़ी फार्मर ये करते हैं, पेस्टिसाइड फ्री भी करते हैं, दलाल कोल सारा पिंड ही वरत रहा है क्योंकि वह रिजल्ट है। सारिया गलों पर आप पूरे लंबे विस्थार पूर्वक गलबात करा, चर्चा करा, गलों जानने का मौका मिलेगा, तो मैं कुछ थोड़े मन च उठ रहे सवाल इन्हों तो पूछागा, तो ये अपना आंसर देने। मैं रिक्वेस्ट की थी कि पंजाबी दस्यो, ये कहें भी असी हरियाणवी बागड़ी थोड़ी मिक्स चलती हैगी, आंसर देने, समझ लोगे आसानी के नाल, किसानी भाषा के आंसर होगा।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪੇਛੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਨੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਕਾਸੀ ਕਾ ਬਾਸ ਜੀ, ਐਲਨਾਬਾਦ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਖੇਤੀ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੀ। ਕਿਤਨੇ ਏਕੜ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਤੇ ਹਾਂ? 12 ਏਕੜ ਕੀ ਖੇਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਟਨ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਪਲਾਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਕਬ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਆਪ ਨੇ? ये जी क्राइस, पहले तो ये देखो आप जी, सही है सही। अब इस जो पेस्टिसाइड फ्री है ना जी, वहीं पे ये मिलता है, मतलब ये क्राइस बिल्कुल नहीं है। देखो सही है, ये 2014 की बात है जी। 2014 में जब मतलब वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अटैक था, और 10,000 से 12,000 का पेस्टिसाइड डालने के बाद भी मतलब नरमा की फसल है जो बर्बाद हो गई थी 2014 जी। एक एकड़ में 10,000 से 12,000 रुपए का पेस्टिसाइड हमने डाला था जी। तो उसके बाद जो जींद निडाना एक अमरुजला पेपर जो है उसकी वो करता था उसकी मेडिंग, उसमें हर हफ्ते मतलब एक कीट उसमें दर्शाया जाता था, और उस क्लास की जो है अपडेट है जहाँ जींद निडाना में वो फ्री जब डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी जो क्लास लगाते थे जी, उसकी एक वो हेडिंग मेरे पास पड़ी थी जी। और 13 सितंबर 2014 को हम जब जींद गए तो रास्ते में जो सारा ही कॉटन था वो उसका सफाया हुआ था, मतलब जल चुका था वो। तो जब हमने वो डेमो प्लाट जाके देखा ना हाँ जी, तो जिस तरह से आप ये प्लाट मतलब देख रहे हैं हरा भरा, जिस तरह से आप हमने अपने गाँव में आपको नरमा जो दिखाया है जी, तो बिल्कुल हरा भरा था। और उस प्लाट को देखते ही हमारे समझ में आ गई भी मतलब जो व्हाइट फ्लाई का सबसे और नरमा जलने का जो हमारा कारण है, काले होना का जो कारण है वो पेस्टिसाइड ही है। और 2015 में मैं गांव में और लगभग सरसा जिला में मैं अकेला किसान था जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी की पद्धति को मैं फॉलो करके और बिना पेस्टिसाइड से 2015 से मैं कर रहा हूँ। अब जो ताकत वाली स्प्रे होती है जो लाल गोल है 13045 अन्य कोई और नए नए आ रहे हैं उसको भी पेस्टिसाइड मानते हैं? नहीं, उसको ताकत वाली स्प्रे मानते हैं, उसको पेस्टिसाइड नहीं मानते जी। उसका बेनिफिट है? हाँ, उसका बिल्कुल बेनिफिट है, वो ताकत देता है प्लांट को। हाँ, पौधे को जहर नहीं चाहिए, पौधे को ताकत ही चाहिए जी। जहर से एक फायदा 10 नुकसान हो जाते हैं आपका मतलब? जहर से फायदा कोई नहीं होता, एक भी फायदा जो है मेंटली तो होता ना, फार्मर को सेटिस्फेक्शन हो जाती है अभी अब 10 दिन का काम हो गया। वो मेंटली तो ऐसा है, जहर में ऐसा कुछ है जहर के अलावा जो मतलब एक बार मतलब पौधे की डेकोरेशन वो कर देता है, वो उसकी कलर ले आता है, वो कलर ले आता है। अच्छा, ओके। उसका जो उसका थोड़ा ग्रीननेस वो बढ़ा देता है जहर के अलावा, उसमें वो कुछ मतलब ऐसे डाले हुए हैं जी। और जब हम जब नहीं करते अपन जहर नहीं डालते जी, तो पत्ता मतलब एक नेचुरल रहता है जी, और उसमें थोड़ा खरदरापन रहता है जी, और वो मजबूत भी होता है जी। जहर डालने से क्या होता है कि पौधे का जो पत्ता है वो कमजोर पड़ जाता है जी। आपने पहली बार कब लगाया ये पेस्टिसाइड फ्री वाला कॉटन? 2015 में लगाया। कितना एरिया लगाया? 2015 में 23 एकड़ था जब मैं मतलब वो इससे ठेके लेके जब खेती में 2015 में करता था जी, अब नहीं करता। उस समय हमारे पास 23 एकड़ जो खेत था जी, और एक दो किसान साथ में एक एक एकड़ के और भी हमने लिए थे। ओके, एक दो किसान ठीक है, तो किसी का एक एकड़ किसी का 2 एकड़, तो कुल मिला के हम वो पहली बार में 3 किसान थे जी। अब 2022 आ गया है। हाँ, 2022 आ गया, तो संतुष्ट है इससे? बिल्कुल संतुष्ट है जी। मैक्सिमम यील्ड आपने क्या लिया? मैक्सिमम यील्ड हमारे किसान ने 17 क्विंटल पर एकड़ का झाड़ू से डॉक्टर दलाल पत्ती से लिया हुआ है। कब की बात है जी? ये 2018 की बात है जी। किसान प्रभु मैं तुम दस दिया, चलो किसी भी वरायटी कोई पता होते कि वरायटी सी 773 वरायटी जो 773 के ब्रीडर ने जां काफ़ी उन्होंने सीनियर स्टाफ्स ने जिन्हां नाल मेरी भी गलबात होंदी रहिंदी आ, वरायटीज़ अच्छियां हैगियां सरासी दियां, उस वरायटी का मैक्सीमम पोटेंशियल ही 18 to 20 क्विंटल हैगा। इन्होंने 17 तक पहुँच गया, मैनू नहीं लगता कोई पेस्टिसाइड वाला फार्मर उस रीजन तक उसने कदम पहुँचाया होवे आपका, पर जिहड़ियां नवीं वरायटियां आ रही ने उन्हों का पोटेंशियल 24 क्विंटल तक हैगा। पेस्टिसाइड दे विच तुसी पॉसीबल नहीं हैगा, मैकेनिकल क्रॉप प्रैक्टिस है, सोइंग तकनीक्स हैगियां, तो जिहड़ियां इदां दियां तकनीक्स जिन्हां तुहाडा खर्चा ही घट रहेगा, तुहानूं वरतन दे विच कोई भी मैनूं लगता भी दो बार सोचण दी लोड़ नहीं हैगी। तो तुसी एक प्रॉब्लम हैगी अपनी फार्मर की, तुसी फार्मर हो, मैं भी फार्मर हाँ, मैं भी फील की है चीज़, अगर तो आपका कॉटन मेरे से अच्छा है तो मैं नहीं पूछने वाला
ठीक है, अगर आप बताने वाले नहीं हो बिल्कुल, अगर आपका कॉटन मेरे से बुरा है तब भी मैं नहीं बताने वाला। बहुत से फार्मर ऐसे करते हैं पेस्टिसाइड कोई और लेते हैं और घर में डब्बा चेंज करके और स्प्रे करेंगे, दूसरे को पता ही ना चल जाए। हाँ, वो आपने इसका जागरूकता मिशन चला रखा है कि दूसरे को बताना है कैसे करना है क्या करना है। कितने फार्मर आपको सीख जाते हैं एक साल में? देखो 2018 में 2015 में पहले शुरू किया था जी, तो 2003 साल तक मैं अकेला ही किसान था। उसके बाद हमें मतलब क्लास मिल गई जी। क्लास का मतलब ये हो गया कि हमें वहाँ जींद से एक ट्रेनर मिल गया जी, जी। सुरेश जी अहलावत। ओके, तो 2018 में हमने ये जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन की ये क्लासें लगानी शुरू कर दी जी। उस क्लास जब शुरू की ना जी, तब पहले साल 25 किसान हमारे साथ आए जी, आसपास दौलपड़िया गांव से और कुछ बेरवाड़ा गांव से, कुछ काशी का बास नीमला जो हमारे आस पड़ोस के गाँव। 25 किसानों का कुल 130 एकड़ जो रकबा है नरमे का जी, वो बिना पेस्टिसाइड के 2018 में पहली बार मतलब ये हमारा रकबा कुछ बढ़ना शुरू हुआ जी। और 2019 में ये जब हमने उसकी रिपोर्ट ली जी, तो ये रकबा 1250-1300 एकड़ पहुंच गया था और 125-30 किसान थे उसमें। ओके जी, तो इस तरह से बढ़ा। उसके बाद तो मतलब हमारी जो काउंटिंग थी ना वही फैल हो गई जी। भाई हम बैठे तो क्लास सरकारी काशी के पास में और फोन आता है गंगानगर से कि हम जी आपको फॉलो कर रहे हैं, तो हमने भी लगा रखा है। हाँ, हमने भी लगा रखा है। तो गंगानगर बीकानेर नागौर जोधपुर और एमपी तक हम जो क्लास के लिए मतलब वो वीडियो जो लाइव करते थे जी, तो लोग हमें मतलब फॉलो करके, और उसके बाद हमारी काउंटिंग हमने करने की कोशिश ही नहीं की जी। और अब जो हमारा गांव है उसमें सिर्फ 1% किसान ऐसा बचा है जो पेस्टिसाइड डालता है, बाकी इसमें तकनीक को फॉलो करता है। और हमारे आसपास के जैसे नीमला दौड़पड़िया बेरवाड़ा और अदर इधर भी हरियाणा के जो भी किशनपुरा जी हमारे आसपास के जो है वहाँ 50% से ज्यादा किसान मतलब इस तकनीक को फॉलो कर रहे हैं जी। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पत्ती जी, अब तो ये हिस्ट्री के बारे में हो गया, आपके स्टेप के बारे में हो गया, अब हम सिर्फ फसल के बारे में बातचीत करेंगे जी। जैसे अप्रैल में बिजाई होना शुरू हो जाता है, सरसों का खेत है, चने का खेत है या और कोई खाली खेत है, लगभग ये एंड मई तक चलता रहता है। बिल्कुल, बिजाई से लेके जो तक आपने देखा है कि जो तकनीक अच्छी हैं, सीड के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, तकनीक के बारे में बात करेंगे या इसको न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, जो इसको ताकत देना टाइम टाइम पे, क्योंकि फार्मर क्या करते हैं कि एक गट्टा उठाया यूरिया, एक गट्टा सुपर डाल दिया, एक 5 किलो सल्फर डाल दिया, उसने डालने माइंड में कुछ ना कुछ डालने को ही वो सेंटेंस बना रहता है। आप शुरू से लेके पहली चुगाई तक का समय आप 5 मिनट में एक्सप्लेन करें। देखिए, जब हम शुरू करते हैं, जब कई किसान जैसे आपने बोला भी माइंड में उसके बैठा हुआ है जी, तो नरमे की फसल को मतलब इतना ज़्यादा जितना हम डालते हैं उतनी ज़रूरत नहीं होती। और नरमे की फसल जो भी हमारे डॉक्टर दलाल पत्ती के जो किसान हैं वो मतलब अपनी जो खाद पहले डालते थे ना उससे 25% में अब, जैसे पहले एक गट्टा डालते थे तो अब 10-12 किलो 15 किलो तक वो DAP डालते हैं। और यूरिया का इसमें एक सिस्टम होता है, यूरिया या तो वो पहले डालते हैं पहले पानी में और या फिर डालते हैं 15 अगस्त के बाद जी। इस बीच वो जब बारिश आ जाती है तो इस बीच में वो मतलब जो यूरिया है वो नहीं डालते डॉक्टर दलाल पत्ती में हमारे यहाँ प्रैक्टिस के अंदर जी। तो इसका एक कारण भी है कि जब अपने मतलब जुलाई शुरू हो जाती है उस टाइम कीट बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ जी, तो जब यूरिया डालते हैं तो कीट मतलब उससे ज्यादा बढ़ता है जी। तो उसके नहीं, नीचे नहीं डालते होंगे आप, स्प्रे तो वगैरह करते होंगे ताकत की वगैरह? नहीं, स्प्रे जो डॉक्टर दलाल घोड़ है हाँ, वो करते हैं पहले 3 घोड़े मतलब DAP जी, यूरिया जी, और जिंक सल्फेट जो 21% है जी, उसमें 2.5 किलो DAP लेते हैं जी, 2.5 किलो यूरिया लेते हैं और 0.5 किलो 21% जिंक जी, और 100 लीटर पानी के ये मात्रा है जी, वो डाल के और जितनी दूर में 100 लीटर पानी की स्प्रे होती है वो स्प्रे करते हैं। पहले तीन जो स्प्रे करते हैं। ये पहला स्प्रे कब शुरू हो जाता है बिजाई के बाद? ये पहला स्प्रे जब शुरू होता है जब अपने फसल में इंसेक्ट आना शुरू हो जाते हैं ना
उस टाइम हम पहला स्प्रे करते हैं, मतलब 50 दिन मान लो आप, 50 दिन के 50-55 60 ग्रोथ टाइम पे, हां ग्रोथ टाइम पे, पहले पानी के बाद जब प्लांट बनना शुरू हो जाता है। हां जी, उसके 10-12 दिन पे मतलब लगातार चलता है, मतलब प्लांट को इन तीन तत्वों से जो मतलब चार तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, जिंक और सल्फर मिलता है, चार तत्व मिलते हैं, वो चार तत्व प्लांट को लगातार आप देने का काम करते हैं। तीन स्प्रे करते हैं 10-12 दिन के अंतराल पर इसके जी। उसके बाद क्या करते हैं, डीएपी को छोड़ देते हैं और उसमें मैग्नीशियम है 100 लीटर पानी के पीछे 1.5 किलो के लगभग मैग्नीशियम डालते हैं जी। तो दो स्प्रे उस मैग्नीशियम की करते हैं जी, और लास्ट जो स्प्रे करते हैं छठा स्प्रे हो गया ये म्यूरेट ऑफ पोटास 1 किलो, इससे मैग्नीशियम को छोड़ देते हैं, जिंक यूरिया रहता है, म्यूरेट ऑफ पोटास जो आता है 60% जो आता है ना अपने जी, वो मैं 1 किलो उसमें डाल के और फिर वो स्प्रे करते हैं। ये टोटल मतलब ये प्रैक्टिस है जी। किसान भरावो तुहानू एक मैं बुक डिस्प्ले कर रहा हैगा बुक दे स्क्रीन दे उपर, उहदे विच भी क्रॉप प्रैक्टिस निकल के सामने आई है कि फास्फोरस आ जिहड़ा उह प्लांट नू रूट दे थ्रू आउट मिलता हैगा, पर डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी दा इह एक एफर्ट रहा किसानां वास्ते, एक शलाघाजोग उन्होंने रीसर्च कीती है, एक एक्सपैरीमेंट किया जिहड़ा कि सफल होया कि जिहदे विच आपां उसनू डीएपी अपने कोल आम अवेलेबल हुंदी है, चलो हुण एडवांस फर्टिलाइजर आ गए फास्फोरस दे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫੋਸਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਵੀ ਡਾਲ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਤਾਏ ਆਪ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਕ ਯੂਰੀਆ ਔਰ ਡੀਏਪੀ ਕਾ ਜੋ ਹਮ ਦਲਾਲ ਗੋਲ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਉਸਮੇ ਪਾਣੀ ਫਟ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ये हमारे भी शुरू शुरू में जो हमारे किसान थे वो भी मतलब इससे डर जाते थे, क्योंकि पहले बताया हुआ था भाई जो पानी फट जाता है उसके बाद मतलब फसल के ऊपर उसका छिड़काव नहीं करना चाहिए, पर जो डॉक्टर दलाल जी की जो पत्ती है उसमें पानी मतलब फट जाता है तो भी हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं और उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट उस पर नहीं आता है, किसान भरा। वो तुसी मेरियां काफ़ी वीडियो देखियां होनियां, मैं चिलेटेड जिंक नूं पहल दिंदा हैगा, पर जो इन्हां ने क्लीयर कट तुहानूं दस्या हैगा वह डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी की रीसर्च है, जिन्हां की एक डिसीज दे नाल आपां कहांगे डैथ हो गई सी 2013 दे विच, ते क्रॉप प्रैक्टिस पुरानी है, तुसी उस नूं रिफाइन भी कर सकते हो, नवी भी वरत सकते हो, ते पहला कर लो फिर ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕ੍ਰੋਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਵਰ ਕਰਤੀ, ਦਲਾਲ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ DAP ਜਾਂਦਾ 3 ਵਾਰ, ਫਿਰ DAP ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੋਟਾਸ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਟਿੰਡੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਜਬ ਚੁਗਾਈ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਸਮੇ ਫਾਰਮਰ ਡਰਤੇ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਤੋਂ ਵਿਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਸਮੇ ਤੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਮੇ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं करते जी, कोई ना तो हम कोई प्रकार का कोई फंगीसाइड उसमें डालते नहीं है जी। और एक दो बार ऐसी समस्या कुछ खेतों में आई थी तो उसके लिए हमने कोप्रोक्सी क्लोराइड उनको मतलब डलवाया था जी। उसके लिए हमारे ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि लस्सी में तांबा डाल के और उस टाइम उसकी मतलब स्प्रे करते हैं। अच्छा, उस टाइम वो उनके क्या डोज रहता है उनके पास होता है? डोज इसकी अलग अलग है। अगर आपके पास 10-15 दिन पुरानी लस्सी है, 10-15 दिन, तो उसको आप 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 1 लीटर और उससे जो ज़्यादा पुरानी हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपको करने का टाइम नहीं लगा या उसको 2 महीने की स्टोर कर लिया, काली हो गई, हाँ, तो उसको आधा लीटर ही उस टंकी में 15 लीटर की टंकी में आपने डालना है जी। ये डोज रहता है और ये हमारे हम यहाँ फंगीसाइड के तौर पर इसको यूज करते हैं। किसान प्रभु मैं थोड़ा टेक्निकली एक्सप्लेन करा ये कि जी लस्सी होंगी वो दुध तो बनती है, वह रॉ सोर्स दुध हैगा, मिल्क हैगा, वो मक्खन निकल जाता है, तो जिहड़ा पिछे मटीरियल बचता हैगा वह न्यूट्रीशन वैल्यू वो रिच कैल्शियम अमीनो एसिड होंगे है जेडे प्लांट नू सैप मेनटेन करने के काफ़ी सहायता करते हैं। नवी फ्रूटिंग आ रही है वह नहीं डिगेगी, लास्ट टाइम फ्रूटिंग बूटे के उपरली साइड बनती है वह फ्रूट साइज़ है जो अच्छा मेनटेन हो जाता, अमीनो एसिड के नाल प्रोटीन बनती हैगी है प्लांट की, जिदे जी फ्रूट बडिंग हैगी डिगदी नहीं हैगी, ज़्यादा वधिया मच्योर होंगी है। उपरलिया टाहणियां ते अगर 2 टिंडे लग रहे हैं तो उन्हों की संख्या बढ़ सकती हैगी, मोटे हो सकते हैं।
ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤਰਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਰਮਾ ਖਿੜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲਈ। 3-4 ਕੀਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਬ ਸੁੰਡੀਆਂ ਆਉਣੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੱਛਰ ਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਅਟੈਕ ਹੁਆ, ਵਾਇਰਸ ਮੇ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਾ ਮੱਛਰ ਆਤਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਆਤਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਦੇਖਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੋ ਫਸਲ ਮੇ, ਦਿਨ ਬਾਏ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ ਮੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੇ, ਕਿਆ ਫਸਲ ਕੋ ਜੱਜ ਕਰਤੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸਕੋ ਹਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਕਾ ਜੋ ਪਦਤੀ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਬਤਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਟ ਕੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਕੀਟ ਕੀ ਉਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਪੌਦਾ ਉਸਕੋ ਬੁਲਾਤਾ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਾ ਵੋ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮਈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੋ ਹਰਾ ਹੀ ਥਾ ਕੋਟਨ ਜੀ, ਜੂਨ ਮੇ ਵੀ ਤੋ ਰੰਗ ਉਸਕਾ ਹਰਾ ਹੀ ਥਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕੀਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਮੇ ਵੀ, ਆਧ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਸਮੇ ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਰੰਗ ਤੋ ਉਸਕਾ ਹਰਾ ਹੀ ਥਾ, ਅਗਰ ਕੀਟ ਹਰੇ ਰੰਗ ਪੇ ਆਤਾ ਤੋ ਉਗਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਟ ਹਰੇ ਰੰਗ ਪੇ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਕੀਟ ਕਾ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਮੇ ਕਾ ਪੱਤਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੋ ਰਸ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰ ਪੱਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ, ਯੇ ਜੋ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਯੇ ਜੀ, ਯੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਯੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਯਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ ਪੌਦਾ ਛੋੜਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਹ ਔਰ ਮਤਲਬ ਟੇਸਟੀ ਇਤਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੇ ਟੇਸਟ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਪ ਇਸਕੋ ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਲਗਾ ਕਰ ਜਬ ਚੱਖੇਂਗੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਾ ਪੌਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋੜਤਾ ਹੈ ਸੁਗੰਧ, ਔਰ ਯੇ ਸੁਗੰਧ ਕੀਟ ਹੈ ਵੋ ਪਹਿਚਾਨਤਾ ਹੈ। ਕੀਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੌਸਮ ਮੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਟ ਆਏਂਗੇ, ਜੈਸੇ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਸ ਭਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ, ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੇ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੌਦੇ ਪੇ ਕੋਈ ਇਸਕਾ ਰਸ ਚੂਸਣੇ ਕੇ ਲੀ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਆਏਗੀ, ਓਕੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਕੀ ਪੌਦੇ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੜਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਰਮੇ ਕੀ ਫਸਲ ਹੈ ਵੋ ਵਡਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸਮੇ DAP ਕੀ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਯਾ ਯੂਰੀਆ ਕਰ ਦੇਤਾ, ਯੂਰੀਆ ਉਸਕੋ ਡਾਲਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣੇ ਸੇ ਪੌਦੇ ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਮੇ ਗਏ ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਫਾਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪੇਟ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਯਾ ਤੋ ਆਰਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੇਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਮਤਲਬ ਇਨੋ ਵਗੈਰਾ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਇਨੋ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਪੌਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਗੰਧ ਛੋੜਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਟੋਂ ਕੋ ਬੁਲਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਆਓ ਔਰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਬ ਕੀਟ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸਕਾ ਅਫਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਉਸਕਾ ਅਫਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਜਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੋੜਾ ਤੋ ਜਬ ਉਮਸ ਭਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਬ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਜੋ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਕੀ ਮਾਦਾ ਹੈ ਵੋ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਅੰਡੇ ਰੱਖਣੀ ਆਏਗੀ, ਪੱਤੇ ਐਗਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਨਮੀ ਹੈ ਤਬ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਾ ਤੋ ਉਮਸ ਭਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਬ ਯਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੋ ਥ੍ਰਿਪਸ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਮੇ ਆਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਮੇ ਆਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਟ ਕਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਚ ਕੇ ਖਾਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਖੁਰਚ ਕੇ ਖਾਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਬ ਯੇ ਥ੍ਰਿਪਸ ਆਤੀ ਹੈ ਸੂਖੇ ਮੌਸਮ ਮੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਕਾ ਜੋ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾ ਮੇ ਵੀ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਪੌਦਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਚਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਉਸ ਕੀਟ ਕੋ ਬੁਲਾਤਾ ਹੈ ਥ੍ਰਿਪਸ ਕੋ। ਜਬ ਥ੍ਰਿਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਥ੍ਰਿਪਸ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਥ੍ਰਿਪਸ ਕਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਕਾ ਜਬੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਉਸਕੇ ਜਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਪੱਤੇ ਕੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਖੁਰਚਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਧਾ ਰਸ ਤੋ ਵੋ ਪੀ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਧਾ ਰਸ ਉਸ ਪੱਤੇ ਪੇ
उस पे लग जाता है जो चांदी सा कलर का हो जाता है वो। जो किसान भाइयों का ये सभी का अनुभव है, ये निचली साइड थोड़ा हाँ व्हाइट स्पॉट हो जाता है, और कई बार ज्यादा थ्रिप्स होने से ये पूरा मतलब यहाँ से चांदी कलर का हो जाता है। और पत्ता क्या हो जाता है, पत्ता जैसे ऐसे पहले तो ऐसे होता है, और जैसे जैसे उसको थ्रिप्स मतलब खाएगा तो इकट्ठा नहीं होगा, ये इस तरह से खड़ा हो जाएगा, पत्ता खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थ्रिप्स का फायदा, इसका पत्ते का है जो वाष्पीकरण रुक गया, अब पौधा अपने आप को रिलीफ महसूस कर रहा है क्योंकि ज्यादा पानी नहीं उड़ रहा नीचे से वो उसका। और दूसरा, अब एक तो ऐसे पत्ता है उस पर सारा दिन सूरज इधर होगा तो भी उस पर धूप पड़ेगी, और इधर होगा तो भी धूप पड़ेगी, अब पत्ते ने अपने आप को बचा लिया, ऐसे कर लिया, अब उसको मतलब वो अपने आप पौधा थ्रिप्स के जरिए अपने आप को वो बचा रहा है गर्मी से जी। तो तब थ्रिप्स होती है, और जब बरसात हो गई उसके बाद अपने आप ही थ्रिप्स जो दूसरे मांसाहारी कीट हैं उनके द्वारा या इनकी मतलब संख्या है जो वो बढ़नी अपने आप ही कम हो जाती है, और बरसात होते ही 10 दिन के अंदर आपको पौधे के ऊपर थ्रिप्स। हम नमी वाले मौसम में ये खत्म हो जाती है, हाँ नमी वाले मौसम में खत्म हो जाती है क्योंकि पौधे को उसकी जरूरत नहीं है, उसको तो अब दूसरे कीट की जरूरत है, दूसरा कीट उस पर फिर नमी हो जाती है जब उस पर तेला आता है। ओके, तेले का फसल में मतलब जबरदस्त फायदा है, जो मैंने पहले बताया भी जो 17 क्विंटल हमने जो यील्ड ली है जी, जो 773 की, वो उसमें ज्यादा होने का कारण सिर्फ तेला था जी, मतलब बहुत ज्यादा तेला था उसमें, पेस्टिसाइड कोई गया नहीं, कोई पेस्टिसाइड कोई गया नहीं। तो उसने क्या करा, जो पौधा ने जो मतलब अनावश्यक बढ़वार लेनी थी जी, वो उसको रोक दिया जी। ठीक है, टिंडे नजदीक आने लगे, और जिस पत्ते को ज्यादा उस साल हमने ये भी प्रैक्टिकल किया कि जिस पत्ते को तेला ज्यादा खाया था और उसके साथ जो टिंडा था उसका वजन दूसरे पेस्टिसाइड वाली कपास से 1 ग्राम ज्यादा था जी, पर टिंडे के हिसाब से, पर टिंडे के हिसाब से 7-8 हजार प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर 200 टिंडा लग रहा है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो 1 ग्राम उसका वजन हमने पेस्टिसाइड वाले भी मतलब तोल के देखे जी, और जो जिसमें ज्यादा तेला था उसको भी हमने मतलब वो जो रुई है जी उसको तोल के देखा जी, तो उसमें एक टिंडे के पीछे जो खिला हुआ था उसका 1 ग्राम का हमने उसमें बेनिफिट पाया। अब हमारे किसान क्या करते हैं, तेला आने पर खुश होते हैं जी, भी तेला आ गया। आपके तरह के किसान, बाकी किसान तो डर जाते हैं ना, जो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पत्ती के किसान जी वो खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं भी अपना काम बनने लग गया, हाँ भी तेला आ गया, अब फसल को पूरी फसल को कोई दिक्कत नहीं है जी। अब उसपे मतलब जो दलाल घोड़ा है उसकी स्प्रे, इस बार तो तेले ने फाजिलका डिस्ट्रिक्ट पूरा तबाह कर दिया, आप अब ये मान के चलो, तो आपके एरिया में भी तेला तो आई होगा? नहीं, तेला अब की बार हमारे जो एरिया था जो ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट है उसमें तेला नहीं आया, इतनी मात्रा में नहीं आया। आप ये मान सकते हैं अगर आपकी पद्धति से, आपके फंडामेंटल से अगर कोई फार्मर उस रीजन में खेती करता जिसमें बहुत ज्यादा तेला आया तो आपसे भी ज्यादा पैदावार लेता, ज्यादा। अब की बार जो ये जो साल है, इस साल जी, इस साल पैदावार मतलब हमारी कुछ घटेगी जी, जब तेला जब आता है जब पैदावार बढ़ती है जी। ये हमने इन कीटों से डरने की क्या जरूरत रहती है, जहाँ हम ये रसी चूसते हैं और तो कुछ करते नहीं, ये सुंडी वगैरह तो टिंडा खा जाती, डैमेज करती है, ये तो पत्तों का रसी चूसते हैं, कब तक इसको आप जैसे रसी चूसते हैं तो जिससे रस बनता है वो आप देते रहते हो, दलाल गोल जो भी आप फोलियर स्प्रे करते हो, नीचे भी सामान तो डालते होंगे, फर्टिलाइजर वगैरह नीचे चलता होगा जो अपनी जमीनों की थोड़ी बहुत कमी, सबका सेम नहीं है हाँ जी, तो कब तक डरते हैं कि इससे ज्यादा हो गया तो अब थोड़ा और सामान देना चाहिए प्लांट को रस बनाने के लिए? ये एक ATL निर्धारित किया हुआ है जी, हाँ इसके बारे में थोड़ा बता दें। ATL निर्धारित किया हुआ है, जब हम अपने खेत का जब ATL निकालते हैं जी, तो एक कोने से उस खेत में घुसते हैं जी, जैसे हम कोने पे बैठे, कोने पे बैठे हैं जी, तो इस खेत में यहाँ कोने से घुसते हैं और पहले पौधा सेलेक्ट कर लेते हैं दूर से भी, उस पौधे का अपने ATL निकालना है। ओके, तो उसका एक नीचे का पत्ता लेते हैं जी, उस पे पेन कॉपी अपने हाथ में होती है। ओके, और उस पे नंबर डाल लेते हैं, 1 नंबर पत्ता जी, ठीक है, और एक साइड लिख लेते हैं हरा तेला और सफेद मक्खी और थ्रिप्स जो चूरड़ा, उसको हम चूरड़ा कहते हैं जी, तो उस पर डाल लेते हैं, और एक साथ में लिख रहते हैं मांसाहारी, एक साइड में लिख लेते हैं। तो मतलब जैसे मान लीजिए पहले पत्ता हमने पकड़ा
नीचे का जी। तो उसपे एक हरा तेला है तो उसमें हम हरे तेले की जगह लिख देते हैं एक। ओके ठीक है। व्हाइट फ्लाई दो है तो उसमें दो लिख देते हैं, और थ्रिप्स इस पे है नहीं तो उसमें जीरो लिख देते हैं। ओके ठीक है। तो फिर एक बीज का पता लेते हैं जी। तो उसमें जितने कीट मिले वो लिख लेते हैं जी। और इनमें कोई क्राइसोफा कांडा मिल गया या इस पे मकड़ी मिल गई या कोई दूसरा कोई कीट, यहाँ जैसे डाकू बुगड़ा मतलब व्हाइट फ्लाई का ज्यादा रस चूसक है तो वो मिल गया, जैसे दूसरा अदर कोई कीट मिल गया मतलब जी। तो उसको एक साइड में मांसाहारी में लिख लेते हैं भी अपने को एक मकड़ी मिली है। ओके ठीक है। तो इस तरह से हम फिर एक ऊपर का पता लेते हैं जी। तो इसके 10 पौधे की हम काउंटिंग करते हैं एक एकड़ में, एक एकड़ या दो एकड़ तीन एकड़ जो भी अपना 5 एकड़ का प्लाट है, प्लॉट का उसरी का। ओके जितना भी अपना लंबा प्लॉट है ठीक है उस तरीके से। ओके और एक निश्चित लंबाई माप लेते हैं अभी अपने को 20 कदम चल के, और अपने को एक पौधा पकड़ना है जी। तो 30 जितने भी कीट आते हैं जी उसके हिसाब से इस उनकी 30 से उनको जोड़ के व्हाइट फ्लाई मान लीजिए अपने को 25 मिल गई तो उनको 30 से भाग देते हैं जी। तेला मिल गया अपने को 10 तो उनको भी 30 से भाग देते हैं जी। और थ्रिप्स मिल गया उसको भी 30 से भाग देते हैं। तो अलग ये एक औसत आ जाती है इनकी जी। तो व्हाइट फ्लाई का हमने देखा है वैसे ईटील इसका 6 है जी, और हमने इसको 10 से पार जाते भी देखा है जी, और प्लाट का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है। और फार्मर कितने पे स्प्रे करते हैं? फार्मर मतलब इसको स्प्रे करते हैं, और स्प्रे कर करके कॉटन का वो नाश कर लेते हैं, अपना खराब कर लेते हैं। मतलब जो फायदा आपने व्हाइट फ्लाई ने अपना करना है हाँ जी वो आपने ऐसा स्प्रे करके अपना ही नुकसान कर दिया। अपना ही नुकसान कर लिया जी। ठीक है। ये आपकी पद्धति आपके फंडामेंटल से बताते हैं। दूसरा किसान डरते क्यों है जी के हर एक कीट का लक्षण, जैसे मैंने आपको थ्रिप्स का लक्षण बता दिया, अभी थ्रिप्स आएगा तो पत्ता खड़ा हो जाएगा जी, और एक करड़पन पकड़ जाएगा पत्ता जी, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो तेला आएगा जी तो पत्ता मतलब पत्ते की जो कनारी है ये कनारी से खाता है पहले वो। ओके तो वो कनारी क्या है थोड़ी मुड़नी शुरू हो जाएगी इस तरह से जी, तब किसान रेड हो जाती है, रेड हो जाती है। और व्हाइट फ्लाई जब आएगी तो व्हाइट फ्लाई बढ़ने से नीचे के दो दो चार चार पत्ते काले होने शुरू हो जाते हैं, रंग पत्तों का जो रंग है वो ऊपर से मतलब ये काला होना वो शुरू हो जाता है, तब किसान डरता है भी अपने तो मतलब ये नरमे की फसल है वो खराब हो रही है, और कुछ उसको मतलब इस पत्ती के बारे में नहीं पता है। जो किसान डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पत्ती से करे हैं जी, जो खेती करते हैं उसमें कॉटन दो दो बार काली हो जाती है जी, एक बार पहली हुई जी, फिर सुधार हो गया जी, फिर एक बार और काली हो गई जी, तो भी नहीं डरते जी, और कुछ नहीं बिगड़ता। किसान भरा वो मैं बहुत तरह के फार्मरों को मिलिया जिन्हों को एक बीघा जमीन आ, जिन्हों को 500-500 बीघा जमीन आ, लेबर के नाल वो अपनी खेती करते हैं, 5-5 ड्रम स्प्रे दे लगे होंगे आ। तुसी सोच के देखो एक अगर बीघे के उत्ते जां एक किले के उपर तुहाडी 8000 की 5000 की पेस्टीसाइड जा रही है, ते अगर तो अगर कोले 20 एकड़ है 50 एकड़ है तो लखा रुपया का खर्च बच जाना है। तो प्रोग्राम में किदा ज्वाइन कर सकते जी फार्मर? फार्मर वैसे तो ये हरियाणा में और पंजाब में भी आपके मतलब वो अलग अलग जगह क्लास लगती है जी। टाइम देते हैं आप अपने पेज वगैरह बने? हाँ टाइम देते हैं, एक हमारा पेज है मेरा गाँव का सिकाबास। ओके एक पेज है हिंदी में उसको लिखते हैं, उसमें आप जानकारी डालते रहते हैं किस जगह पे कब कोई वर्कशॉप होने वाला है, कब कोई क्या खर्चा रहता है फार्मर सीखने वाला आता नहीं, कोई खर्चा नहीं रहता जी उसके आने जाने का, बिल्कुल फ्री में ऑफ कॉस्ट है। फ्री में तो फार्मर को अगर आप ट्रैक्टर भी दे दो ना वो भी बोलेगा इसमें कोई गड़बड़ है, कोई खर्चा नहीं रहता जी उसका जी, मतलब उसके आने जाने का है जो सिस्टम, और जो किसान दूर से आते हैं जी उसको रहने का देता पड़ता है। हाँ मतलब रहने का, जो सुबह नहीं पहुंच सकते या सुबह पहुंच गए सुबह घर से जल्दी चले उसको हम खाने की भी व्यवस्था करते हैं। इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, और मैं आपको एक चलो आप कीट के बारे में बात कर ली, जो न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली, फार्मर ज़्यादा बीज डाल के ज़्यादा पैदावार पैदा करने की सोचता होता है जी, दो आके आपके बिग्गा चलता है, आपके बिग्गे में 2-2.5 बैग डाल देते हैं, हमारे किला चलता है उसमें 3-3 पैकेट चलते हैं, आपका एकड़ चलता है। तो आप क्या मानते हैं प्लांट ज्यादा अगर प्लांट हो गए खेत में तो बीमारी ज्यादा आएगी कीट ज्यादा आएंगे, या प्लांट कम हो गए जब पैदावार ज्यादा होगी? प्लांट कम हो गए जब पैदावार ज्यादा होगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए जैसे मतलब वो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी का बताया हुआ है जी के प्रति वर्ग फुट जो पत्ता है
जी वो के उसके ऊपर जो सूर्य की रोशनी है वो 1250 किलो कैलोरी पड़ती है जी। तो चूंकि प्लांट में क्षमता 1% ही है, धरती की कोई भी जीवित चीज है उसका एनर्जी का सोर्स सूर्य लाइट ही है। हाँ सूर्य लाइट ही है जी। तो उसके ऊपर जब मैं वो पड़ेगी पत्ते का जो है उसकी क्षमता 1% ही है लेने की प्रति वर्ग फुट, तो 1250 किलो कैलोरी वो पूरी 10 घंटे धूप में वो लेता है। ठीक है, अब जैसे वो 1250 किलो लेके 4.5 ग्राम खुराक वो बनाता है, तो अब जैसे अपने प्लांट ज्यादा हो गई तो ऊपर ऊपर के पत्तों पे धूप उसको जाएगी, नीचे पर प्लांट वो कम हो जाएगी, पर प्लांट वो कम हो जाएगी। ओके, तो पर प्लांट जिसे जो एनर्जी कम मिलेगी तो पौधा अपनी मजबूती मतलब पूरी तरह से नहीं पकड़ सकता, वो फ्रूट बॉडी भी कम बनाएगा, वो कम बनाएगा। तो जैसे अलग अलग प्रैक्टिस चल रही है, जहाँ मतलब कम बीज डला हुआ है वो कपास बहुत बढ़िया है जी, और जो जहाँ ज्यादा बीज डला है उसमें नीचे से फल आता है ऊपर तक जाता है। हाँ ऊपर तक जाता है जी। तो मतलब कम मैं बीज डालने की अपने को रखनी चाहिए जी। और एक लास्ट सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा कि फार्मर पानी सबके पास सेम नहीं है, किसी के पास नहर का पानी ज्यादा है, किसी के पास ट्यूबवेल का पानी है, या कोई डग्गी वगैरह बनी हुई है, पानी का क्या रोल रहता है शुरू से लेके एंड तक? कॉटन में ज्यादा पानी लगता है, नुकसान होता है, या कम पानी लगता है, या पानी का रोल ही क्या है इसमें? नहीं, पानी का अहम रोल है जो इसमें पानी का ही है जी। पहले की अलग बात थी, अब जो है अपने मतलब ट्यूबवेल, पहले जहाँ ट्यूबवेल नहीं थे अपने जिस एरिया में, ये 87-88 की बात है, ट्यूबवेल नहीं थे तो 2 पानी में कॉटन मतलब बहुत बढ़िया पक जाता था जी। उसके बाद धीरे 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 जमीनी अपना पानी निकालना शुरू किया जी। पहले इंजन थे, अब दूसरी समर्सिबल पंप आ गई, जितना हम नीचे से पानी निकालते हैं उतने पानी की जो रिकमेंडेशन है वो हर फसल में बढ़ती गई है। सही है, तो पानी इसमें अहम रोल है। अगर आपके पास ज्यादा खारा पानी है तो उसमें ज्यादा दिक्कत है, उसको कम लगाने की कोशिश करें, और आपके पास बढ़िया पानी है तो आपका बढ़िया कॉटन होगा, और खारे के हिसाब से खारा वो इस हिसाब से मतलब पानी का अहम रोल है। पानी तो किसी भी तरह का हो सकता है। हाँ। लेकिन जैसे हम डबल रोनी भी कर लेते हैं, सिंगल रोनी कर लेते हैं, पहला पानी हम अगर बारिश नहीं हुआ तो 40 दिन में एक बार लग जाता है, अगर बारिश हो गया तो हो सकता है 50-70 दिन पे भी चला जाए। जब ये फ्रूटिंग का टाइम आता है, जब कॉटन 80 दिन का हो जाता है, इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं बड़ी मात्रा में, तो लगभग ये 2 मंथ का समय चलता है जी। इस समय अगर कोई बारिश ज्यादा हो जाती है तो पानी को कैसे लगाएं? अगर बारिश होती नहीं है बिल्कुल तो क्या मैनेजमेंट किया जाए? जैसे ये हमारे कीट आते हैं तो ये रस चूसते भी हैं और प्लांट भी वेपोरेशन बढ़ा देता है, जैसे थ्रिप्स वगैरह को से बचने के लिए, तो उस समय पानी का क्या सिस्टम रहेगा? देखिए वो तो अपने को देखना पड़ता है, वो अपने खेत में जब आप जाओ अगर 11 बजे के आसपास अपने नरमा है वो बता देता है भी इसको पानी की जरूरत है या नहीं है। अगर आपका नरमा सेम सुबह जैसे है वैसे 11 बजे अगर खड़ा रहे तो उसको पानी की नहीं जरूरत है, और अगर पत्ते वो मतलब डाउन कर देता है, उसको अलसा बोलते हैं हम, जैसे अलसा जाता है, तो वो उसको मतलब पानी उस टाइम देना चाहिए जी। देखो कॉटन में काफी प्रॉब्लम रहती है, किसी के खेत में अगल बगल में कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें चूहे ज्यादा है, या प्लांट उखड़ जाते हैं, बोर का पानी अच्छा नहीं है, या सीडी गलत आ गया उसमें जर्मिनेशन कम हुआ, या सोइंग के बाद ग्रंड हो गया नरमा, बारिश वगैरह होगी, प्लांट कम जर्मिनेट हुए हैं, या अच्छी प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन के लिए बीज ज़्यादा डाल रहे हैं, जर्मिनेशन हो गया, बाद में हमें प्लांट से प्लांट क्या रखें, कितने प्लांट रखें पर एकड़ के हिसाब से? जैसे जब 2 फुट का प्लांट हो जाता है तब तो वो उखड़ने वाला है नहीं, बूटे से बूटा लाइन से लाइन कितने दूरी पर रखें अच्छी पैदावार ले पाएं? अच्छी पैदावार के लिए 3.5 फुट से 4 फुट जो लाइन से लाइन है जी वो अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से, अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से, और इतने ही मतलब पौधे से पौधा भी 3 फुट के आसपास जो अपना हो तो मतलब बढ़िया पैदावार के लिए है जी। किसान भरावो काफ़ी सवाल पूछे ने जिदा मेरे दिमाग दे विच आई गए है, पर फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम इना तुसी कापी पेन लै के लिख के करोगे तो फिर तुसी अपने खेत दे विच इहदे बारे सोच सकते हो, तुसी भी बड़ी प्लानिंग करते रहने हो, पहली स्प्रे करनी है, दूजी ये करनी है, तीजी ये करनी है, पिछली बार 2 ना सर गया, इस बार 5-6 हो गई। एमरजेंसी टाइम दे विच तां मरदे नूं तां बहुत कुछ करना पैंदा हैगा, पर एमरजेंसी ही ना आवे, मेन तुहाडा भी मकसद झाड़ लेना ही हैगा, साडा भी मकसद झाड़ लेना ही हैगा, अपनियां वीडियो जिहड़ियां हैगियां उह इंटरटेनमेंट नहीं करदियां, इंटरटेनमेंट लई जिहड़ा जेब 'च पैसा चाहीदा, फसल तो पैसा आउणा, उस 'ते आपां काम कर रहे हां कि तुहाडा पैसा कोई खिच के चुरा के ना लैके जावे,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? हम जून में शुरू कर देते हैं जी उसको, जब कोई बिजाई हो जाती है मतलब जब। हाँ जून लास्ट, क्योंकि कॉटन के फार्मर जून में फ्री होते हैं। हाँ जून में हम एक इसकी क्लास लगा देते हैं जी, जब कोई कीट वगैरह फसल पे जब होता ही नहीं है जी, जून में जी, लास्ट जून तक। हाँ क्योंकि जुलाई में बारिश आती है उसके वक्त, उसके बाद जब मतलब चुगाई के लग जाते हैं जी, खिलना शुरू हो जाता है जी, तब क्लास हम बंद करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।